हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज के सेशन में जो हम बताने वाले हैं स्टील रिइंफोर्समेंट फॉर फुटिंग कैलकुलेशन। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बात किया था कंप्लीट टॉपिक के साथ आइसोलेटेड फुटिंग का कंक्रीट फाइंड कैसे करते हैं। वहाँ पे मैंने हर एक पार्ट को डिस्कस अच्छे से किया था और वो लॉन्ग वीडियो बनी थी, राइट। जिन भाई ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, राइट। अब मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक के साथ और यहाँ पे मैंने सबसे पहले आप सभी के साथ यहाँ पे एक फॉर्मेट को रेडी करके रखा है ताकि आप आने का पर्पस है। यहाँ पे आपको 3D इमेज के रेफरेंस भी सिखाऊंगा और यहाँ पे जो 2D ड्रॉइंग जो वर्किंग होता है हमारे पास जो साइट पे पहुँचती है 3D से काम नहीं होती, जो हम साइट पे काम कराते हैं वहाँ पे आपको 2D मिलेगा। स्ट्रक्चर का क्या मिलेगा? 2D मिलेगा, राइट। कोई भी बात चाहे कोई भी वर्किंग हो आपको 2D मिलेगा, राइट। यहाँ तक कि 3D एलिवेशन का भी आपको वर्किंग नहीं मिलता है 2D, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले बनाया तो 2D में भी बात करेंगे, 3D भी हम समझाएंगे, राइट। तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक को कवर कर लिया हाउ टू कैलकुलेट फुटिंग रिइंफोर्समेंट BTS, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा भी इसके बाद तीसरा टॉपिक है होगा मेरा जो कंक्रीट मैंने फाइंड करके रखा था वहाँ पे सीमेंट सैंड एग्रीगेट अलग अलग डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट में सीखने वाले हैं और कौन कौन सा फुटिंग में कंक्रीट हम यूज करते हैं जनरली, ठीक है। तो अभी इस वाले टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट फुटिंग रिइंफोर्समेंट BTS, BVS का मतलब होता है बार बेंडिंग शिफ्ट रूल। देखो, सबसे पहले BVS निकालने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि बार बेंडिंग शिफ्ट रूल का मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। अगर हम किसी भी चीज़ का फुटिंग का बीम का कॉलम का किसी का भी अगर आप स्टील कैलकुलेशन करते हो तो उसका कोई स्क्वायर फीट स्क्वायर क्यूबिक मीटर कुछ भी नहीं होता, क्यूबिक फीट कुछ भी नहीं होता, राइट। वहाँ पे सिर्फ आपको मोड ऑफ मेजर जो मिलता है रनिंग मीटर और रनिंग फीट में हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक सिंगल लेंथ को हमें कैलकुलेट करना होता है, उसको टोटल इकट्ठा करना होता है, राइट। तो शुरू कर लेते हैं इसके साथ मैंने कैसे किया। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखा मेन बार इन एक्सटेंशन और यहाँ तक हम अभी टॉपिक को करते हैं स्टॉप और चलते हैं अपने 3D के साथ। 3D देखो, ये वाला फुटिंग में जो स्टील नीचे जो बॉटम लेयर में जो स्टील फुटिंग में डलती है इसकी बातें हम कर रहे हैं, राइट। और कुछ इस प्रकार से मैंने फ्रंट व्यू भी लिया, ये वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ पे प्लिन बीम भी स्टॉप कर दिया हूँ ताकि मैंने जो पिछले वीडियो में कंक्रीट फाइंड किया था यहाँ से इस वाले पार्ट से लेकर नीचे तक की, क्योंकि ये टिपिकल पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसको मैंने बात किया था और ये कॉलम हो गया मेरा पेडस्टल और ये हमारा प्लिन बीम है, राइट। और इसके कॉलम की स्टील कंटिन्यू ऊपर जा रही है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक बात करें, ये टॉप व्यू है जो हमारा जो फुटिंग की साइज है 8 फीट है चौड़ाई में और 9 फीट है लंबाई में, ठीक है। और ऊपर में जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन है उसकी भी बातें करेंगे, चलो ठीक है। ये है स्टील डलने की टेंडेंसी। अब आते हैं यहाँ पे, तो हम इस 3D के साथ हम बात करने वाले हैं आप सभी के साथ। अब देखो, यहाँ पे एक रेड कलर की स्टील आपको दिख रहा, एक आपको ब्लू कलर की स्टील दिख रहा है, तो इसमें एक मेन बार कराएगा एक डिस्ट्रीब्यूशन बार कराएगा। तो मेन बार डालने की तरीका और डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्लेस करने के तरीका क्या है? अब देखो, ये जो बाहर वाली जो फेसेस है ये मैंने सेटरिंग लगा रखा अभी, ये ना समझिए कि मैंने कोई चीज़ खड़ा कर रखा है, ये मैंने अभी सेटरिंग लगा रखा है। फोर सी वीडियो लंबी होगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, क्लियर मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा टॉपिक है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ज़िंदगी में किसी से नहीं पूछोगे आप कि निकालते कैसे हैं, इसीलिए थोड़ी सी टाइम दीजिए ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, राइट। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट मैंने सेटिंग लगा रखा है। सपोज करो कि यहाँ से इसके बाहर मतलब इसके आउटर फेस से मैंने मिट्टी को रिमूव किया हुआ, उसके बाद मैंने सेटिंग किया हुआ, उसके बाद मैंने स्टील को प्लेस किया हुआ है, राइट। अब देखो, यहाँ बात चल रही थी मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, मेन बार जो है ना हमेशा शॉर्टर स्पेन में, जो स्पेन कम होगा लंबाई चौड़ाई जो दिया होता है ना फुटिंग का, उसमें जो स्पेन कम होगा मतलब जिसकी स्पेन कम होगा लेंथ कम होगा तो पहला बार उसी कंडीशन में डलेगा, उसी मतलब लोकेशन में डलेगा, राइट। अब कैसे? अब देखो, यहाँ पे ये 9 फीट है और ये 8 फीट है, तो कौन सा लेंथ कम है? तो 8 फीट वाला कम है, इसीलिए यहाँ पे ब्लू कलर का जो स्टील आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो स्टील देखो नीचे गई है, नीचे वाले लेयर में मैंने डाला हुआ, ऐसे 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 कंटिन्यू 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 यहाँ एंड पोजिशन तक गई है,
तो ये नीचे हुआ प्लेस, इसी के लिए इसको मैंने बोला मैन बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होगा, जस्ट इसके ऊपर अप्लाई हुआ ये वाला लॉन्ग, लॉन्ग कौन सा है, 9 फीट जो ज़्यादा डायमेंशन वाली लेंथ है। तो देखो रेड कलर का मैंने क्या है, मैन बार हमेशा नीचे रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा ऊपर रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़, अगर साइट पे काम कराते हो, अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो या आप कहो आप क्लाइंट हो, खुद के लिए घर बना रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करता है स्टील कटिंग में। क्या होता है कि ये वाला सेटिंग पार्ट है हमारा, ये वाला सेटिंग पार्ट है, ठीक है, और अंदर अंदर ये डायमेंशन हमारे पास है 9 फीट और चौड़ाई है हमारे पास 8 फीट। क्लियर है। वो क्या करता है कि ये स्टील कंप्लीट 9 फीट काट देता है और ऐसे 8 फुट कट जाता है। तो ये स्टील किसके संपर्क में आ जाता है, जब सेटिंग करेंगे तो सेटिंग में चिपक जाएगा, जब सेटिंग में चिपक जाएगा, जब रिमूव करोगे आफ्टर कास्टिंग फुटिंग, तो उसके बाद क्या होने वाला है कि साइड से स्टील आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब साइड से स्टील आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे जब बैक फिलिंग मिट्टी या सॉइल कुछ भी करते हो या सैंड फिलिंग करते हो, तो वहाँ पे धीरे धीरे आपके स्टील में जंग लगना शुरू हो जाता है और वहीं से आपके घर की कहानियाँ ख़त्म होने लग जाती है। तो क्या फ़ायदा हुआ, इतना अच्छा स्टील यूज करना है, इतना अच्छा अमाउंट आपने लगाया, इतना आपने माथा पेची किया, ये छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ आपको आनी चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लोग आपको गलत सजेशन देता है, सारे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 80-90% ऐसे कॉन्ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है कि ताकि वो यहाँ तक कहेगा नीचे बेडिंग की भी कंक्रीट की ज़रूरत नहीं, सॉइल फिलिंग सैंड फिलिंग की ज़रूरत नहीं, मिट्टी पे डाल के सीधा कंक्रीट डाल देता है। वो बिल्कुल गलत तरीका है। अब मैंने यहाँ पे सीखा स्टील को कैसे प्लेस करते हैं, मैन बार कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा है। अब हम टॉपिक में एक चीज़ क्लियर कर देंगे यहीं पर। अब आते हैं प्लान पे। ये है हमारा प्लान जो मैंने पहले सबसे पहले रेडी कर रखा है। और ये 4 इंची एक्स्ट्रा क्यों लिया है, ये वाला पार्ट आप पिछले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अभी मैं जो ये येल्लो पोर्शन जो दिख रहा है इसकी बातें करेंगे, मतलब ग्रीन प्लस येल्लो के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन जो अभी मैंने स्टील का जो टेंडेंसी देखा, कुछ इस प्रकार से देखा, ऐसे एल बना और इस प्रकार से ऊपर की तरफ चली गई। इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी, इसको मैंने बोला सी। क्लियर हो गया। अब देखो ए और बी और सी, तो ए और बी सी को हमें करना है कैलकुलेट, हमें करना है कैलकुलेट। एक्स डायरेक्शन देखो, एक्स डायरेक्शन हमारा ये वाला पार्ट, सपोज करो एक्स डायरेक्शन हमारा ये वाला पार्ट है माना है, और वाई डायरेक्शन मैंने ये वाला पार्ट माना है। क्या माना है, ये वाला पार्ट माना है। एक्स डायरेक्शन हमने इस वाले पार्ट को माना है, वाई डायरेक्शन हमने इस वाले पार्ट को माना है। क्लियर है। अब चलो हम यहाँ पे इसके बाद हम क्या करने वाले हैं अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो यहाँ पे, अब देखो हाउ टू कैलकुलेट फुटिंग रिइंफोर्समेंट बीपीएल। तो प्लीज चेंज इन मीटर एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जो भी लेंथ है आपका, एक्स डायरेक्शन में जो भी आपका लेंथ है, एक्स डायरेक्शन में जो भी आपका लेंथ है वो है आपका फीट में, उसको हमें पहले ही मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे आप फीट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जब आप कवरिंग वगैरह माइनस करोगे जो टेक्निकल पॉइंट है, तो वहाँ पे फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए है कि ये दो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन जो फुटिंग की साइज मैंने देखा है 9 फीट बाय 8 फुट, वो पहले मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया। किसी भी फीट को अगर 3.28 से आप भाग देते हो तो आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब मीटर को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिलीमीटर आ जाता है। कुछ इस प्रकार से मैंने किया हुआ है, ठीक है। जब आप 9 फीट को 3.28 से भाग दिए तो 2.74 मीटर आया। इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई आपने किया तो आपके पास 2740 मिलीमीटर आया। क्लियर है। अब देखो प्लीज चेंज इन मीटर वाई डायरेक्शन, ठीक है, वाई डायरेक्शन। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, मैन बार इन एक्स डायरेक्शन कर रहे हैं। अब देखो ये वाला मैंने एक्स डायरेक्शन माना है, तो यहाँ पे देखो तो सबसे पहले मैन बार इन एक्स डायरेक्शन का, तो कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी,
a प्लस बी प्लस सी, मतलब अभी मैंने जो बात की इसको ए यहाँ पे प्लान पे देखो ये वाला ए अब प्लस बी को मैंने जोड़ा, अब प्लस सी को मैंने जोड़ा, अब माइनस क्या पार्ट किया मैंने यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को माइनस किया। जब भी स्टील को बेंड करता है लोहार तो यहाँ पे स्टील क्या होता है इंक्रीज होता है, यहाँ पे स्टील क्या होता है इंक्रीज होता है, इसीलिए ICL जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है 90 डिग्री कंसीडर करता है। तो मैं एक तरफ से बोल देता हूँ कि 1D अगर आए, 1D अगर आए तो 1D किसके लिए 45 डिग्री बैंड का अगर माइनस करते हैं तो हम 1D कंसीडर करते हैं, अगर हम 90 डिग्री के लिए माइनस करते हैं तो वहाँ पे 2D कंसीडर करते हैं, ठीक है 2 क्या है नंबर है और D क्या है डाया है, डाया ऑफ बार है, ठीक है इतना समझ में आ गया आपको। तो 2D अगर 180 डिग्री पे अगर कोई स्टील को बेंड किया वहाँ पे हम माइनस करेंगे तो वहाँ पे 3D कंसीडर करके चलेंगे क्यों, ठीक है। तो ये आपको पता है ए बी और सी, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 × TD किया, ठीक है। तो ए कैसे, सबसे पहले मैंने ए वाला पार्ट को निकाला, ये क्या है डेप्थ ऑफ कंक्रीट, क्या है डेप्थ ऑफ कंक्रीट और माइनस टॉप क्लियर कवर और माइनस बॉटम क्लियर कवर, कैसे चलो आते हैं ये देखो। अब देखो ये एल हमें नहीं पता, कोई ड्राइंग में आपको दिया भी रहता है लेकिन किसी ड्राइंग में नहीं रहता है, एज पर साइड निकालना पड़ता है, राइट। तो ये हमें कैसे निकालना है, ये वाला पार्ट कैसे निकालना, जाहिर सी बात है टोटल डेप्थ ऑफ कंक्रीट हमारे पास 9 इंची है, समझना, और 9 इंची में 2 इंची ऊपर से क्लियर कवर और बॉटम लेयर का 2 इंची कवर, तो 5 इंची बच गया, इसीलिए टोटल डेप्थ ऑफ कंक्रीट में नीचे का कवर 50 mm ऊपर का कवर 50 mm अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास जो भी बचता है ये हमारा एल बचता है, क्लियर है ये वाला। तो इधर भी मतलब इस डायरेक्शन यहाँ पे और इस तरफ भी बोथ आर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि डेप्थ ऑफ कंक्रीट टोटल और उसके बाद टॉप क्लियर कवर माइनस बॉटम क्लियर, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कंक्रीट मेरा कितना है 230 है, 230 मतलब 9 इंची, ठीक है। माइनस क्या किया 50 mm, टॉप क्लियर कवर 50 और बॉटम क्लियर कवर 50, तो हमारे पास बी निकल के आया 130 और ए भी निकल के आया 130, दोनों सेम प्रोसेस है, चाहे ये समझ लो, ठीक है। ए कैसे और बी कैसे, यहाँ तक निकल गए, अब हमें निकलना है सी। तो सी क्या मतलब टोटल लेंथ, सी का टोटल लेंथ कितना है, सी को ये वाला पार्ट माने एल तक, ठीक है। तो ये टोटल आप प्लस ये और प्लस ये जोड़ देंगे तो हमारे पास सी निकल जाएगा, हमारे पास क्या निकल जाएगा सी निकल जाएगा, वही मैंने किया यहाँ पे। टोटल लेंथ कितना, टोटल लेंथ है 2740 भी कैसे, दोनों तरफ से क्लियर कवर माइनस करके 2740 आया है, ठीक है 2740 टोटल लेंथ, अब माइनस 50 दोनों तरफ से बोथ साइड से क्लियर कवर मैंने माइनस किया। अरे यार देखो कैसे भाई, ध्यान से समझना ये वाला पार्ट को, देखो ये सी और ये तो जोड़ना ही था, लेकिन ये टोटल जो हमारा जो फुटिंग साइज है 9 फीट है, तो 9 फीट में देखो ये स्टील को मैंने दूरी पर रखा है, ये लो को 2 इंची की दूरी पर रखा है, इसलिए ये कवर माइनस करके आपको काटना, अगर आप उतना का काट दोगे तो फिर आपका ये सेटरिंग में चिपक जाएगा, जाकर क्या होगा सेटरिंग में चिपक जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि टोटल लेंथ माइनस बोर्ड साइड क्लियर कवर, इसलिए 2750 माइनस 50 देखो जो फुटिंग में जो कवर होता है ना वो मिनिमम 2 इंची रखना है, 50 mm रखना है और मैक्सिमम 3 इंची रखना है, 3 इंची रखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करते हो तो आपके पास आता है 2640 mm। देयरफॉर अब कटिंग लेंथ पे खाली बैठाना था, ए मेरा 130 निकला हुआ है, ठीक है यहाँ रख दिया, और बी मेरे पास जो है 130, ये भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया।
अब जो ये 2 × B हो गया, और C वाला पार्ट मैंने निकाल रखा है 2640, मैंने रख दिया यहाँ पे 2604, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे माइनस एक चीज़ इम्पोर्टेंट पार्ट बताऊँगा तो इसी में क्योंकि मैंने इसको पहले क्यों किया, इसको क्यों किया, मैं अभी रीज़न समझा दूँगा, ठीक है। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में ये नहीं कीजिएगा कि आपने उल्टा कैलकुलेशन कर रखा है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। माइनस 2 था, 2 गुना हो गया 2 × D मतलब डाया, और 12 mm का सरिया हमने स्टील ले रहे हैं फुटिंग में, तो इसलिए 12 यहाँ पे रखा है। तो आपका ये जोड़ोगे तो 2900, और ये आपको जो मतलब कैलकुलेशन करते हो तो 48, 2900 में 48 को माइनस कर दिया तो कटिंग लेंथ आया कितना मेरा 2852 मिलीमीटर, क्लियर हो गया। एक्स डायरेक्शन मैंने मेन बार को मैंने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं नंबर ऑफ बार। एक बार निकालने से हमारा काम नहीं हुआ, मतलब एक बार निकालने से, जैसे ये वाला बार सिर्फ मैंने जितना जो अभी लेंथ आया कटिंग लेंथ, तो ये वाली सिंगल लेंथ निकला, लेकिन जो ये प्लेसिंग हुई स्टील 4 इंची पे सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, 4 इंची मतलब 100 mm, 4 इंची मतलब 100 mm, उसको भी हमें मिलीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो 4 इंची, तो 4 इंची को मैंने 4 × 25 करोगे तो 2500 आता, एक्चुअल में होता 25.4, लेकिन राउंड फिगर पकड़ के अगर करोगे तो 4 इंची 100 mm होता है, ठीक है। तो आपका ये ऐसे ऐसे प्लेस कितना नंबर लगी वो चीज़ें हमें पहले निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ बार। तो टोटल नंबर ऑफ बार देखो, नंबर ऑफ बार इन एक्स डायरेक्शन कैसे, अब देखो यहाँ फिर से यहाँ प्लान पे ही आना पड़ेगा, प्लान से। अब देखो ये वाला अगर ऐसे में हमने लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वाला डिसाइड करें, क्योंकि ये वाला डिसाइड करें कितना नंबर लगेगा, गलती से इसी को नहीं पकड़ लीजिए, गलत हो जाए। अगर ऐसे एक्स डायरेक्शन के स्टील निकाल रहे हैं तो हमें वाई डायरेक्शन का लेंथ लेके इसके हेल्प से ये वाला हमें नंबर ऑफ बार निकलेगा, राइट, इसके बार निकलेगा। अब देखो वही मैंने किया है, नंबर ऑफ बार इन एक्स डायरेक्शन, तो 2440 देखो मैंने क्या यहाँ पे वाई डायरेक्शन जो 2440 मिलीमीटर आया है, 2440 मिलीमीटर है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2440 रख दिया, 2440 रख दिया और डिवाइडेड बाय 100 + 1, 100 सेंटर टू सेंटर 100 mm पे, तो इसको अगर भाग देते हो तो आपके आता है 25 नंबर, और 1+ क्यों किए, क्योंकि सेफ्टी ऑफ फैक्टर, अगर आप नहीं भी करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर घट गया तो इसलिए सेफ्टी ऑफ फैक्टर के लिए हम +1 कंसीडर ऐड करके चलते हैं। तो 25 नंबर हो गया, और एक बार का जो कटिंग लेंथ आया है 2852 मिलीमीटर आया है, 2852, अगर 2852 को मल्टीप्लाई करते हो 25 से तो आपके पास ये आता है, देखो मैंने लिखा है कटिंग लेंथ ऑफ बार 425 mm, आपका एक मतलब एक्स डायरेक्शन का मेन बार आपने फाइंड कर लिया है जनरली, ठीक है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार पे, डिस्ट्रीब्यूशन बार इन वाई डायरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन बार इन वाई डायरेक्शन कटिंग लेंथ सेम फार्मूला a+b+c और -2 × 2d, तो ए कैसे निकालेंगे, तो ए टोटल टॉप ऑफ कंक्रीट और नीचे का टोटल डेप्थ ऑफ कंक्रीट और माइनस टॉप क्लियर कवर माइनस बॉटम क्लियर कवर, आपके पास 230 है डेप्थ ऑफ कंक्रीट, दोनों को माइनस किया 130, उसी तरह सिमिलर आपको करना है तो 130 आपका बी वाला पार्ट भी आ जाता है, उसी तरह सी आपको निकालना है टोटल लेंथ मतलब ये वाली पार्ट, एक बार इसमें भी दिखा देता हूँ ये वाला। अब हम ऐसे बार कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो ब्लू कलर की है, जो ये ब्लू कलर की है, ठीक है, तो ब्लू कलर का ये वाला लेंथ हमको फाइंड करना है, वही वाला कर रहे हैं, तो सेम प्रोसीजर है, तो ब्लू वाला कर रहे हैं तो टोटल लेंथ और माइनस बोर्ड साइड क्लियर कवर, तो बोर्ड साइड क्लियर कवर तो 2340 आया, देयर फोर जो फार्मूला मैंने लिखा है a+b+c और -2 × 2d सबको मैंने पुट किया तो आपके पास ये आया। तो अब नंबर ऑफ बार निकालने के लिए अब दूसरे लेंथ का हेल्प लेना पड़ेगा जो एक्स डायरेक्शन मैंने लिया हुआ, तो एक्स डायरेक्शन कहाँ है मेरा, ये है 2740, तो 2740 आपका 2740 आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा और 100 से भाग देना है, +1 करना है, तो आपके पास अप्रोक्स 28 नंबर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे कटिंग लेंथ ऑफ बार फॉर 28 नंबर जो मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास इतना मिलीमीटर आ जाता है। अब देखो मैन बार, देखो यहाँ पे लिखा टोटल कटिंग लेंथ ऑफ बार, अब टोटल कटिंग लेंथ ऑफ बार इक्वल टू कैसे,
टोटल कटिंग लेंथ ऑफ बार इक्वल टू कैसे, टोटल यहाँ का मेन बार इन इंटरेक्शन जो मैंने ये वाला का लेंथ यहाँ पे फाइंड किया है, ये वाला को मैंने लिखा है मेन बार इन इंटरेक्शन कितना है मेरा 71,300 मैंने रखा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाई डायरेक्शन, ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन बार इन वाई डायरेक्शन। तो कहाँ पे निकाला है मैंने कटिंग लेंथ ऑफ बार फोर 28 नंबर्स के लिए इतना, तो यहाँ पे दोनों पे क्या किया मैंने जोड़ा, तो टोटल इतना मिलीमीटर आया। और चेंज इन मीटर, इसको मैंने चेंज किया मीटर में, तो 152.75। तो आपको इतना मीटर तो पता है, लेकिन इसका कितना किलो वेट आया इस आपको ये नहीं पता। तो देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल फार्मूला क्या है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। इसके लिए जो फार्मूला होता है वेट निकालने के लिए आप स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो में अभी इम्पोर्टेंट पार्ट हकीकत बताना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। वेट इक्वल टू होता है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 इंटू लेंथ। अब देखो डी, तो ये डी स्क्वायर को ऊपर कर अगर करोगे, हम आपको इस पर बता रहे हैं, लेकिन आपको लिखना क्या है बटे करके लिखना है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। फॉर्मेट सेल पे गया, सुपर स्क्रिप्ट पे गया, उसके बाद देखो यहाँ पे डी स्क्वायर अपन 162 इंटू लेंथ, ठीक है। इस पर सोल्यूशन करना, कैसे करते हैं हम कैलसी निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना, इतना मीटर का हमें वेट कैलकुलेट करना है, तो कैसे वेट कैलकुलेट करना है, कैसे डी स्क्वायर कितना, 12 एमएम का सरिया हमने पकड़ा है फुटिंग में, तो डाया ऑफ बार है, डी क्या है डाया ऑफ बार है, तो 12 इंटू 12 अगर करते हो तो आपके पास आता है 144। अब भागा कितना है 162। अब इसको इक्वल करते थे 0., मतलब यूनिट वेट जो आता है पर मीटर में 0.88 आता है केजी, ठीक है। कितना आता केजी, 0.88 केजी पर मीटर आया, ये क्या आया पर मीटर आया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल मीटर कितना है, इतना गुना एक मीटर के लिए ये आया, यूनिट मतलब वही हुआ ना, एक मीटर के लिए आया, तो टोटल से मल्टीप्लाई करना आपको, तो 142.75 गुना करोगे तो आपके पास आएगा 126.8, अप्रॉक्सीमेटली 127 केजी आपका वेट आया, 127 केजी आपका वेट आया। मतलब इस फुटिंग को कंप्लीट करने के लिए जो स्टील का वेट आएगा हमारे पास 127 केजी आएगा, लेकिन एज पर साइड जो है आपका वेट जो ऑन साइड जो आता है वो 1-2 केजी, मतलब 2-3% प्लस माइनस हो सकता है आपका, क्योंकि ये IS कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, राइट। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि वेट मतलब एक्सट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था कि सबसे पहले थोड़ी सी उल्टा होगी, देखो मेन बार इन एक्स डायरेक्शन, जो एक्स डायरेक्शन है ना वो मेरा कैलकुलेट हुआ है वाई डायरेक्शन, वाई अभी क्यों, अभी मैंने 3D में बात किया था और अभी भी मैं बता दूंगा कैसे। आपको खाली कुछ नहीं करना है, इस वाले पार्ट को पूरा उठा के इधर रखना है और इस वाले पार्ट को इधर रखना है और नाम को चेंज करना है, इस वाले वाई को जगह एक्स करना है और एक्स के जगह वाई करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि बस इतना ही। चलो और बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ये नहीं कि ऐसे हो गया, क्योंकि हम भी टॉपिक को जब रेडी करते हैं आप सभी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और फटाफट हमें करना होता है, क्योंकि हम जॉब के साथ आप सभी के साथ में ये शेयर करता हूँ तो टाइम भी बहुत ही कम मिलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार इस मतलब इस तरह इस वीडियो को फैलाओ कि हर एक तक पहुँचे और उसको भी पता होना चाहिए। देखो मैं एक चीज़ सिखाने वाला इस चैनल पर नहीं हूँ, मैं इतना कुछ सिखाने वाला हूँ कि आप बिलीव नहीं करोगे कि पूरी साइट की प्रैक्टिकल तक हम बताने वाले हैं
कि साइट पे बिल कैसे बनाएं, बिल फॉर्मेट कैसे तैयार करते हैं, पैसे कब देना चाहिए, कितना परसेंट होल्ड करना चाहिए, बिलिंग कैसे करना चाहिए, मतलब सारे प्रॉपर चीज़ आपको यहाँ पे ऑन साइट का चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। प्लस यहाँ सॉफ्टवेयर भी सिखाया जाता है, जैसे ईटअप्स है, आप ईटअप्स है हो गया, सेफ हो गया, और आपके पास ऑटोकैड हो गया, और यहाँ पे एक RCDC है। ये सारा चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अर्जुन भाई।